subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बॉलीवुड का एक लौता एक्टर जो हर किरदार कर सकता है, चाहे एक्शन हो, कॉमेडी हो, रोमांस हो, ड्रामा करना हो, और उसका नाम है मास महाराजा अजय देवगन। ऐसे ही उनको मास महाराजा नहीं कहे जा सकते, वो हर एक किरदार करते हैं, इमोशनल से लेके एक्शन। बॉलीवुड के मास महाराजा अजय देवगन के फैंस के लिए एक गुड न्यूज़ है, अजय देवगन सर एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर मूवी ला रहे हैं अपने फैंस के लिए। हाल ही में ही तानाजी जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी दी है। तानाजी फिल्म ने 280 करोड़ का इंडियन मार्केट पर कलेक्शन किया था, जो कि बहुत ही बढ़िया था। उसके बाद साउथ इंडस्ट्री की सबसे बड़ी फिल्म RRR फिल्म में भी दिखाई देंगे, जिस फिल्म को डायरेक्शन दे रहे हैं SS राजामौली, जो कि साउथ इंडस्ट्री के ही नहीं पर पूरे इंडिया के सबसे बड़े डायरेक्टर है, जिन्होंने बाहुबली 2 जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी है। उसके बाद अजय देवगन सर हमें भूज द प्राइड ऑफ इंडिया में दिखाई देंगे। इस फिल्म में इंडिया पाकिस्तान का वॉर दिखाई देगा। उसके बाद एक मैदान फिल्म में भी दिखाई देंगे, जिनमें वो फुटबॉल के कोच बने होंगे। उसके बाद एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी है दोस्तों, जिस फिल्म का नाम है रेड 2। जी हाँ दोस्तों, 2018 में आई थी राजकुमार गुप्ता की ब्लॉकबस्टर फिल्म रेड। अब रेड फिल्म का सीक्वल बनने जा रहा है। रेड 2 फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं भूषण कुमार, जिन्होंने रेड फिल्म को भी प्रोड्यूस किया था। दोस्तों रिपोर्ट के अनुसार रेड 2 फिल्म का स्क्रिप्टिंग पर काम चालू कर दिया गया है। रेड फिल्म 65 करोड़ में बनाई थी और इस फिल्म ने 142 करोड़ का बिजनेस किया था और सुपर हिट साबित हुई थी। उसके बाद दर्शकों के बीच रेड 2 फिल्म का क्रेज बढ़ चुका था और इस फिल्म की स्क्रिप्टिंग पर काम चालू कर दिया है और अब यह ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है कि रेड 2 फिल्म आएगी, जिसमें लीड रोल में हमें अजय देवगन के ऑपोजिट एलियना डिक्रोज देखने को मिलेगी। रेड 2 फिल्म में ट्विस्ट एंड टर्न्स भरपूर रहेंगे और इस फिल्म को रेड फिल्म से ज़्यादा बजट में बनाया जाएगा, यानी कि 65 करोड़ से ज़्यादा बजट में बनाया जाएगा। और अंदाज़ा लगाया जा रहा है दोस्तों कि रेड 2 फिल्म 250 करोड़ का बिजनेस करेगी, क्योंकि अजय देवगन की फिल्म का वेट अब अजय देवगन के फैंस को ही नहीं पूरे बॉलीवुड को रहता है और उनकी फिल्म में दमदार कॉन्टेंट भी रहता है, दमदार स्टोरी रहती है, जिन्हें लोग देखना पसंद करते हैं। तानाजी फिल्म आई थी वो एक बायोग्राफिकल फिल्म थी। उसके बाद भूज द प्राइड ऑफ इंडिया आएगी, जो एक रियल स्टोरी पर आधारित है, और अब आएंगी मैदान और उसके बाद रेड 2 आएगी। तो दोस्तों ये चारों फिल्मों में से अजय देवगन की कौन सी फिल्म के लिए आप ज़्यादा एक्साइटेड है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।